नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे जीएसटी आर1 फाइलिंग प्रोसेस। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अब अपनी जीएसटी आर1 फाइल करनी है तो आप उसे किस तरीके से फाइल करेंगे, और साथ साथ जो जीएसटी आर1 में नया अपडेट आया है उससे आपको अब क्या बेनिफिट होने वाला है। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि आप अपनी जीएसटी आर1 किस तरीके से फाइल कर सकते हैं न्यू जीएसटी आर1 अपडेट के थ्रू। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए रिटर्न किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम अपना काम ऑफलाइन सिस्टम पे करते हैं और उस डाटा को सरकार को देना होता है, उसे हम रिटर्न कहते हैं। बेसिकली रिटर्न की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। इसमें अगर हम GSTR1 की बात करें तो GSTR1 को कहते हैं सेल, या फिर आप दूसरे शब्दों में से आउटपुट सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता है GSTR1 फाइल करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है मंथली, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तब आप अपनी GSTR मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं, और अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी GSTR1 को क्वार्टरली या फिर मंथली फाइल कर सकते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया मंथली के अंदर आता है तो आप सिंपल से इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप अप्रैल मंथ में कोई भी काम करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कब तक देनी होगी आपको, 11 मई तक देनी होगी। इसी तरीके से अगर आप मई मंथ में काम करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन 11 जून को देनी होती है, और इसी तरीके से अगर आप नवंबर मंथ में काम कर रहे हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन 11 दिसंबर तक देनी होती है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली सिलेक्ट करते हैं या आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 5 करोड़ से कम था और आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं तो क्वार्टर साल में 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई होती है। सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर होता है, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर होती है। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसकी लास्ट डेट 13 जनवरी होती है, और फोर्थ क्वार्टर आती है जैन फेब मार्च, जिसकी लास्ट डेट 13 अप्रैल होती है। इसके बाद आप सभी को पता है जीएसटी आर1 में टोटल मिलाकर 13 टेबलें होती हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल में आपको डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इनके बारे में अगेन डिटेल में जानना है तो आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर पर। मैंने यहाँ से अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और जो भी मेरी लास्ट मंथ की सेल हुई थी अब मुझे उसे जीएसटी आर1 में देखना है। इसके लिए आप सभी जानते हैं हम डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले के बाद जीएसटी रिपोर्ट पर, और जीएसटी रिपोर्ट के बाद जीएसटी रिटर्न, और इसके अंदर हमें एक टॉपिक मिलता है जीएसटी आर1 विद इफेक्ट फ्रॉम मई। बस आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग डेट पूछेगा, जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट होगी वो टाइप कर देंगे, एंडिंग डेट टाइप कर देंगे और इंटर मार के ओके कर देंगे। और जैसे ही आप इंटर मार के ओके करेंगे यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपने टोटल लास्ट मंथ में 10 बिल इश्यू किए थे, जिसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू यह है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यह है, और टोटल उसका टैक्स ये बनता है। साथ साथ आपके कितने HSN कोड थे, आपने कितने डॉक्यूमेंट इश्यू किए, कितने डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गए, और आपका नेट डॉक्यूमेंट कितने इश्यू है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस पर एंटर मार दें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने उठ के आ जाएगी। दूसरी बात, आप जो भी एंट्रियां चेक करें उसमें कोशिश करें कि किसी भी एंट्री के अंदर रेड कलर का आइकन ना आए। अगर रेड कलर का आइकन आता है तो आप समझ जाना वो एंट्री आपकी इनवैलिड है और वो जीएसटी पोर्टल पर नहीं जाएगी। इसलिए आप रिटर्न को प्रिपेयर करने से पहले यहाँ पर चेक कर लें। जैसे हमने अपने B2B में चेक किया, हमारी कोई भी गलत एंट्री नहीं थी, इसी तरीके से हमने HSN कोड में चेक किया, और लास्ट में हमें मिलेगा समरी ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। बस आपको इस पर क्लिक करना, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ भी आपको कोई एरर नहीं मिली।
इसके बाद अब आप चाहते हो कि डाटा को मैं सरकार को दे दूं, उसके लिए आपको सिंपल कहां आना होगा, जीएसटी आर वन ई रिटर्न विद इफेक्ट फ्रॉम मई। इसके बाद आपको सिंपली जीएसटी आर वन ई रिटर्न पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप जीएसटी आर वन ई रिटर्न पर क्लिक करोगे, अभी आपसे पूछेगा कि आप अपनी जो जीएसटी आर वन भरना चाहते हैं वो डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं या जेसन फाइल की मदद लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जेसन फाइल के थ्रू फाइल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिंपली जेसन फाइल लेंगे। जेसन फाइल पर क्लिक किया तो इसने हमसे स्टार्टिंग डेट टाइप करनी है, एंडिंग डेट टाइप करनी है, और इंटर इंटर मार के आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ से अपनी फाइल की लोकेशन देनी है कि आपको अपनी फाइल किस लोकेशन में चाहते हो। तो मैंने कहा मैं अपनी फाइल डी ड्राइव में 10,000 नाम के फोल्डर के अंदर चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ओके बटन पर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया यहाँ पर मेरी लोकेशन आ गई, और उसके बाद आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे अब आपसे जेसन क्रिएशन के लिए बोलेगा, लेकिन जेसन फाइल को क्रिएट करने से पहले वो आपकी एंट्रियों को चेक करना चाहता है, क्या आपकी कोई एंट्री में गलती तो नहीं है। इसके लिए आपको सिंपली तीन स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आपकी ट्रांजेक्शन चेक होगा, उसके बाद आपका एचएसएन समरी होगा, उसके बाद आपको चेक इन डॉक्यूमेंट मिलेगा, और लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड विद जेसन। बस आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपकी जेएसएन फाइल बनके आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपनी लोकेशन पे जाना है, और वहां पर जाकर देखेंगे अब आपको एक जेएसएन नाम की फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप इस फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली अपने जीएसटी पोर्टल पे आना होगा। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद आपको सिंपली रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना होगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद आपको जाना होगा फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न के बाद आपको यहाँ से अपना पीरियड सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका पीरियड हो, हमारे केस में नवंबर मंथ है तो यहाँ से हम नवंबर ले लेंगे, और सिंपली सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने जीएसटीआर वन आ जाएगा, और उसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन। अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाना है, और अगर आप एक एक करके बिल की एंट्री करना चाहते हैं तो उस समय आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएं। फिलहाल हम प्रिपेयर ऑफलाइन पर चलते हैं, तो हमने यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन पे गए, उसके बाद यहाँ से हम चूज फाइल पर जाएंगे, और चूज फाइल के बाद यहाँ से अपनी फोल्डर की लोकेशन दे देंगे, और उसके बाद जो भी हमारी जेसन फाइल है बस आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड हो गई, और साथ साथ यहाँ पर जो एरर टाइप है वो एन है। अब आपको सिंपली रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल प्रोसीड भी हो गई, और उसमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं मिली। इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है, तो मैं यहाँ से रिटर्न पे डैशबोर्ड पे आ गया। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से अपने पीरियड को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका पीरियड होगा यहाँ से अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, जैसे हमारे केस में नवंबर मंथ है तो यहाँ से हम नवंबर मंथ ले लेंगे, और उसके बाद सिंपली सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे अभी हमसे पूछेगा डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई, बस आपको सिंपली अब GSTR1 पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप GSTR1 पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर दो पार्ट में आपको GSTR1 मिलेगा, जिसमें सबसे पहला होगा एड रिकॉर्ड डिटेल। अगर आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा एड रिकॉर्ड डिटेल के अंदर, और अगर आप अपने पुराने किसी भी बिल के अंदर किसी भी टाइप का अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ से मिलेगा अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल, और इस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें अपने एड रिकॉर्ड को देखना है, तो हम यहाँ से सिंपली एड रिकॉर्ड पर जाएंगे, और जैसे हम एड रिकॉर्ड पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमें B2B सप्लाई के अंदर 10 बिल दिखा रहा है, और हमारे बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये 10 बिल है। तो अब ये हाथों हाथ अपडेट हो जाएगा कि जैसे ही आप लोग जेसन फाइल अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल पे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके टेबल के हिसाब से आपका डाटा भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको उन बिलों को खोल के देखना है तो आपको सिंपली इस नंबर पर क्लिक करना है, और जैसे आप नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस पार्टी को जितने भी बिल बनाए होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपको उनकी डिटेल देखनी है तो आप इस वन वाले या फिर यहाँ पर जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा बस आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको उसके सामने सारी डिटेल खुल के आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई नया एड करना रिकॉर्ड आपको, तो सिंपली उसके लिए आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको अब फेस होगी GSTR1 में, प्रॉब्लम है आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू की, टोटल टैक्स की,
कि अब आपका टोटल टैक्स कितना है, अब आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू वो आपको यहां से देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सबसे नीचे आना है। जैसे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले जनरेट GSTR1 समरी पर क्लिक करना है। जैसे आप GSTR1 समरी पर क्लिक करेंगे, ये आपको कहेगा कि आपको 5 मिनट लगेंगे आपकी GSTR1 समरी को अपडेट होने में, और जब आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपको सिंपली रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्रीव्यू। बस आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब आपकी GSTR1 डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ बिल कितने थे, आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टोटल IGST कितना है, टोटल CGST कितना है, टोटल SGST कितना है। इसी फिगर को आपको अपनी बिजी सॉफ्टवेयर के साथ मैच करना है। हमारे केस में देख सकते हैं कि अब हमारे GSTR1 में B2B में 17 बिल है, टोटल हमारी टैक्सेबल वैल्यू 5,86,812 रुपए है, और जो हमारा टैक्स बनता है 29,340 रुपए। और यही आप यहाँ भी आकर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी सारी चीजें मैच हो रही। इसी तरीके से आपको अपना HSN कोड देखना है, और साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगा समरी ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने टोटल कितने डॉक्यूमेंट इश्यू करे, 19, तो यहाँ भी हमें 19 मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं अगर आपको बिल में टोटल टैक्सेबल वैल्यू या फिर टोटल टैक्स देखने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ GSTR1। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा बात इसको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपकी कोई भी एंट्री ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब आपके डाटा में किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है। अगर आपका पिंक कलर आता है तो आप समझ जाना कि आपने जो डाटा अपलोड किया है वो अभी पेंडिंग है, उसे पूरी तरीके से अपलोड नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर आपकी टेबल में रेड कलर का आइकन आता है तो आप समझ जाना वो एंट्री में कोई एरर है। तो सबसे पहले उस एरर को रेक्टिफाई करना और उसके बाद अपनी GSTR1 को फाइल करना, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपने कोई बिल अपडेट किया और वो अभी क्या है, पेंडिंग है, तो आपके जो नीचे GSTR1 सेव का ऑप्शन होता है वो हमेशा डिसेबल होगा। ये तभी अनेबल होगा जब आपके सारे बिल क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद ये सबमिट बटन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो फिलहाल अभी हमारे सारे बिल क्या है, अपडेट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते, GSTR1 समरी पर क्लिक करते, और जैसे हम GSTR1 समरी पर क्लिक करते तो यहाँ पर हमें एक मैसेज देता कि आपको प्लीज 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अगेन GSTR1 समरी जनरेट होगी। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको लगता है कि मैंने कोई बिल ऐड किया लेकिन वो अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको सिंपली जनरेट GSTR1 समरी पर क्लिक करना, और उसके बाद अगेन आपको यहां से रिफ्रेश करना है, और जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर वो अपडेट हो जाएगी। और जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे ये आपकी क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप एक बार रिफ्रेश करें और सबसे नीचे आपको मिलेगा बस फाइल रिटर्न। बस आपको सिंपली फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आई हेयर बाय पर क्लिक करना है, और नीचे मिलेगा ऑथराइज सिग्नेटरी, और जो भी आपका नाम होगा यहाँ से अपने नाम को सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने अपने नाम सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप जो रिटर्न को वेरीफाई करोगे वो DSC के थ्रू करोगे या EBC के थ्रू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपनी रिटर्न को EBC के थ्रू करना चाहते हैं। EBC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। बस आपको इस पर क्लिक करना, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, और वो OTP यहां पर डाल के सिंपली आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए मैंने यहां से अपना OTP डाल दिया, उसके बाद सिंपली वेरीफाई बटन पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक करूंगा मेरी GSTR1 वेरीफाई हो जाएगी, और साथ साथ मुझे यहां पर सक्सेसफुली का मैसेज भी मिल जाएगा। तो अब मैं इस तरीके से अपनी GSTR1 को फाइल कर सकता हूं GSTR1 न्यू अपडेट के साथ। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ GSTR1 को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।